इसके अंतर्गत हम जो ग्लोबल वार्मिंग भूमंडलीय तापन की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारक है इसे हम कहते हैं हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है बच्चे? इसकी बहुत सिंपल सी धारणा जो है कि यदि आप एक कांच का घर बना लेते हैं तो उसके अंदर में सूर्य की ऊष्मा जो संचित हो जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें, आने वाली किरणें लघु होती और ये उसके अंदर चली जाती है, लेकिन यहाँ से जो विकिरण होता है और दीर्घ तरंगे है ये इस कांच के बंद बॉक्स से बाहर नहीं जा पाती और अंदर के बॉक्स को वो गर्म कर देती है, तो इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और यहाँ पर ये अवधारणा जैसे ठंडे प्रदेशों में कृषि करने के लिए इस प्रकार का प्रयोग किया जाने लगा, कांच के घर बना करके वहाँ पर ऊष्मा को संचित करके कृषि का प्रयोग किया जाने लगा। इसके कारण क्या हुआ कि वातावरण में जब वो ऊष्मा संचित हो गई तो पृथ्वी में गर्मी आ गई। आपने इसका अनुभव भी किया होगा बच्चों, जैसे आप कार में या बस में सवारी करते हैं और यदि कार के या बस के कांच बंद कर देते हैं तो बंद कर देने से अंदर में गर्मी बहुत अधिक बढ़ जाती है। ग्रीष्म काल में तो बहुत अधिक गर्मी बढ़ जाती है और शीतकाल में भी कांच बंद कर देने से हमको गर्म लगता है, तो ये गर्मी यही ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। और इस बढ़ी गर्मी का पूरा प्रभाव जो है पृथ्वी पर पड़ने लगा है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन सी गैसें सक्रिय है, आइए हम इन गैसों के बारे में जानें। सबसे पहली जो गैस है इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जीवाश्म से सबसे अधिक विकसित होती है। जैविक ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज तेल, नेचुरल गैस, ये जो चीज़ें हैं इनको जब जलाया जाता है तो इससे सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में जैसे कि जीवाश्म ईंधन जो है ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और इसी से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो सांद्रण है ये सबसे अधिक होता है। ये गैसें कहाँ कहाँ से विकसित हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो स्रोत है, तो जैसे तापीय विद्युत का उत्पादन होता है, कोयले को जला करके जब विद्युत उत्पादन किया जाता है तो इससे बहुत अधिक मात्रा में कोयला जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे वायुमंडल में फैल जाता है। दूसरा जो है ये कोयला या खनिज तेल, इसको जब सामान्य रूप से भी इसका उपयोग किया जाता है तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। तीसरी स्थिति में जब परिवहन के साधन, जितने साधनों का विकास हुआ है परिवहन के, ये सभी पेट्रोलियम पदार्थों से जलते हैं। ये जलते हैं, कुछ धुआं भी छोड़ते हैं और उसके कारण पूरा वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये काफ़ी विकसित हो जाती है। उसके अलावा घरेलू उपभोग, पहले तो लकड़ी जलाई जाती थी, अभी भी जो लकड़ी आदि जला करके घरों में हम ऊर्जा प्राप्ति करते हैं, उद्देश्य कई होते हैं लेकिन इससे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण यहाँ पर होने लगता है। वनों का जलना भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि लकड़ी के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड
जो होता है इसका सांद्रण अधिक होता है। इसके अलावा वनस्पति जो है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है, जिसके लिए वह कार्बन डाइऑक्साइड को संचित करके रखती है और इससे वह ऊर्जा का उपभोग करती है। तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड, परंतु ये कारक तो पूरा प्राकृतिक है, लेकिन अन्य जो हम कारक इसके पहले जो हमने कारकों का अध्ययन किया, ये मानव जनित कारक है और इन कारणों से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती चली जा रही है। बच्चों आप जानते हैं औद्योगिक क्रांति सन 1750 का जो समय है, इस समय औद्योगिक क्रांति भी थी। उसके पहले जो है CO2 गैस बहुत कम थी वातावरण में, लेकिन औद्योगिक क्रांति के विकास के बाद वातावरण में CO2 गैस का सांद्रण हम सबसे अधिक देख रहे हैं। यह सांद्रण जो है ये लगभग 280 से 290 ppm के लगभग हो चुका है। तो निरंतर इस सांद्रण में वृद्धि हुई है, जहाँ पर 1750 से 1996 तक यह सांद्रण लगभग 360 ppm तक बढ़ गया है। और यदि हम वर्तमान में देखते हैं तो इस सांद्रण की स्थिति जो है ये लगभग 100 ppm से भी अधिक हो गई है। तो इस प्रकार से इस सांद्रण की वृद्धि की जो रिसर्च रिपोर्ट है, ये IPCC 2007 में इन्होंने सर्वे किया था और उसकी रिपोर्ट के अनुसार सांद्रण अब 100 ppm के लगभग हो गया है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये वातावरण में निरंतर बढ़ती चली जा रही है और ये हमें निरंतर गर्मी प्रदान करती है। केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट में अन्य गैसें भी सम्मिलित है। इसमें दूसरी प्रमुख जो गैस है ये है मीथेन, CH4 इसे हम कहते हैं। मीथेन गैस जो है यह भी लगभग 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी तक, ये जो 100 साल का जो पीरियड था, इस पीरियड में मीथेन में काफ़ी वृद्धि हुई है। और ये जो वृद्धि हुई है ये लगभग 1000 ppb पार्ट पर बिलियन की जो स्थिति है, इसमें मीथेन गैस बढ़ती चली गई है। यह मीथेन 1970 से 80 के दशक में सबसे अधिक मीथेन गैस का वातावरण में फैलने की वृद्धि हुई है। यह मीथेन गैस 1990 में इसमें गिरावट आई है और उसके बाद अब मीथेन गैस में निरंतर गिरावट आ रही है। मीथेन गैस कैसे आती है? देखिए, गोबर में बहुत अधिक मीथेन होता है, तो गोबर के कारण मीथेन आ रही। अब गोबर के जलाने की प्रकृति कम हो रही है, या गोबर से हम ऊर्जा बना करके मीथेन को जला रहे हैं, जिससे मीथेन गैस कम होती चली जा रही है। उसी प्रकार से जो धान की कृषि होती है, तो धान की खेतों में जो पानी भर करके हम रखते हैं, जब धान का वृद्धि काल होता है उस समय खेतों में पानी भरा रहता है, तो इस पानी से भी मीथेन गैस विकसित होती है। इसी प्रकार से कुछ बायोजनित जो सोर्स हैं या कुछ तर भूमि में भी मीथेन गैस का विकास होता है, लेकिन अब इस प्रकार की गैसों का विकास काफ़ी कम हो रहा है। तीसरा जो प्रकार है इसे हम कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। नाइट्रस ऑक्साइड यह भी मानव जनित स्रोत के माध्यम से लगभग 40% इसका सहयोग है वातावरण को गर्म करने में। और इसमें सबसे अधिक जो ये गैस बनती है ये विमानों के तीव्र गति से
उड़ने के कारण इस प्रकार से जो नाइट्रस ऑक्साइड गैस है ये अधिक विकसित हो रही है। पूरी तरीके से मानव जनित कारकों से निर्मित है। फिर कुछ होलोजनित गैसें हैं, इसके अंतर्गत हम क्लोरोफोरो कार्बन को लेते हैं। ये जो क्लोरोफोरो कार्बन या CFCs गैस हम इसको कहते हैं, ये भी पूरी तरीके से मानव जनित है। जो रेफ्रिजरेटर का निर्माण, एयर कंडीशनर का निर्माण, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, उसके अलावा हमारे जो सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री जो बनती है, जैसे लिपस्टिक है, वैसलीन है या और भी जो सामग्रियां बनती है, इसके अलावा जो फोम रबर, इसका निर्माण और इसका उपयोग जो हम कर रहे हैं, ये सभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जन्म देता है, इस गैस का विकास करता है। सबसे बड़ा जो वायुमंडलीय तथ्य है, इसमें ओजोन गैस बहुत महत्वपूर्ण है, O3 के नाम से जानते हैं बच्चों। ये जो ओजोन गैस है, ये समताप मंडल में लगभग, आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि लगभग 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये गैस विद्यमान है, और ये हमारे लिए एक सूर्य से संरक्षण प्रदान करती है, इसलिए हम इस गैस को पृथ्वी का कवच या पृथ्वी का छाता कहते हैं। लेकिन अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड के वृद्धि के कारण या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण अब ओजोन के लेयर में, ऐसा कहते हैं कि अंटार्कटिका के पास में एक छिद्र हो गया है, और उसके कारण क्या हो रहा है, पृथ्वी पर सूर्य की जो किरणें हैं वो प्रत्यक्ष आ रही, नहीं तो बहुत सी जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उसको ओजोन गैस सूर्य की तरफ वापस भेज देती थी, लेकिन अब वो किरणें पूरी जमीन तक आ रही है, और इस प्रकार से इसका अवशोषण नहीं होने से गर्मी अत्यधिक बढ़ गई है। तो ओजोन लेयर जो है, ये न केवल पृथ्वी के अंदर में जो तापमान बढ़ा रही, तो इस तापमान से मानव और जीव जंतु वनस्पति सभी पर बहुत अधिक नुकसान पड़ रहा है। ओजोन के क्षरण के कारण सन 1974-75 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में जो शोध किया गया, तो उसमें इन्होंने उस समय से चिंता जताई है कि ओजोन के क्षरण में निरंतर ह्रास हो रहा है। रूस ने तो सन 1967 से ही अपने जो सैटेलाइट भेजे थे, उस सैटेलाइट से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर उन्होंने ओजोन के क्षरण की बात को बताया था। इस ओजोन के क्षरण में जो महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है, ये 1960-70 के दशक में रूस है, फ्रांस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, इन्होंने कुछ नाभिकीय परीक्षण किए थे और इससे भी ओजोन को ह्रास हुआ है। इसी संबंध में कुछ विद्वानों ने लगातार रिसर्च किए हैं, और उन्होंने बताया कि बसंत काल के बाद ओजोन की जो मात्रा है ये काफ़ी बढ़ जाती है, और अंटार्कटिका के क्षेत्र में ओजोन जो है ये अब छिद्र यहाँ पर हो चुका है ओजोन की लेयर में, और उसके कारण गर्मी बढ़ रही है। ओजोन के क्षेत्र में जो कई सर्वे किए गए, तो इस सर्वे में सैटेलाइट के अलावा वायुयान और गुब्बारे के माध्यम से भी सर्वेक्षण किया गया है, और इस सर्वेक्षण के बाद सन 1987 में जो मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था, इस समझौते में ओजोन पर कंट्रोल
करने के लिए, उसकी लेयर को बनाए रखने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो उत्सर्जन उसको कम करें, इस प्रकार के समझौते इस समय किए गए थे। और उसके कारण जो इस समझौते में कुछ बातें जो हमारे सामने में आती है, तो इसमें ओजोन को नष्ट करने वाले जो उत्पाद है, इन उत्पादों पर नियंत्रण करने की बातें की गई है। जैसे 1989 तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया गया है, और इस उत्पादन में जो कमी आ रही 1993 में लगभग क्लोरोफ्लोरोकार्बन में 20% इसके उत्पादों को कम करने को कहा गया है। इसी प्रकार से 1998 में यह लगभग 30% कम हो जाना चाहिए, और 1999 में इसमें 50% तक की कटौती ये मॉन्ट्रियल समझौते के अंतर्गत की गई थी। इसी प्रकार से 1992 में जो हेलन से जो उत्पादित वस्तुएं हैं, इस पर भी कंट्रोल करने को कहा गया है। और इस प्रकार से समय समय पर जो अर्थ समिट होते हैं, पृथ्वी सम्मेलन हो रहे हैं, इन सम्मेलनों में ऐसे जो वातावरणीय परिवर्तन जो आ रहे हैं, इस पर विचार करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा अन्य जो गैसें जो हरित गृह को प्रभावित करती है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गैसें भी मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो ये वातावरण पर जो ग्लोबल वार्मिंग की जो स्थिति, भूमंडलीय तापन, ये मुख्य भूमिका हरित गृह प्रभाव और उसके कारण हरित गृह प्रभाव के अंतर्गत आने वाली ये गैसें निभा रही हैं। इस ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ा है, यदि हम इसके प्रभावों को देखें तो वायुमंडल में अनेक रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन मतलब कई गैसें एक संतुलित जो स्थिति है, इसको बच्चों आपने वायुमंडल की जो तहें हैं, परतें हैं, इसके अंतर्गत पढ़ी है। लेकिन अब इस संतुलन को ये रासायनिक परिवर्तन जो है, विभिन्न गैसें जिनकी कम ज़्यादा मात्रा हो रही है, तो उसके कारण ये परिवर्तन आ रहे हैं। दूसरा जो है वायुमंडल का संतुलन, उसके कारण बिगड़ता चला जा रहा है, और वायुमंडल का जो संगठन है यह बदल रहा है। तीसरी जो बात है, वायुमंडल में इन गैसों के कारण तापमान निरंतर बढ़ते जा रहा है, और उसके कारण हिम पिघलने लगे हैं, और जलचक्र क्रिया जो है यह भी परिवर्तित हो गई है। वर्षा की कमी या मिट्टी में नमी की कमी देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जो हमारा इकोसिस्टम है, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इस पर भी प्रतिकूल प्रभाव निरंतर पड़ रहा है, और प्लावी हिंद्वीपों का निर्माण निरंतर हो रहा है। तो ये जो अध्ययन है, ये अध्ययन इसमें नासा का एक अध्ययन है, और नासा ने कहा है कि ग्रीनलैंड, अलास्का या USA का जो क्षेत्र है, यहाँ से लगभग 2 ट्रिलियन बर्फ पिघल चुकी है, और उसके कारण प्रतिवर्ष समुद्र में लगभग 0.5 मिलीमीटर की वृद्धि हो रही है। जल की वृद्धि होने से समुद्र का विकास हो रहा है। तो इस प्रकार से जलवायु परिवर्तन से हमें जो नुकसान, अब मानव जाति जो भुगतेगी इस नुकसान को, इसके लिए हमें इस ओर ध्यान देना नितांत आवश्यक है।